बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले अलीनगर में डिग्री कॉलेज का मुद्दा बड़ी तेजी के साथ गरमाया था। अलबत्ता कि अलीनगर की राजनीति में युवाओं ने एक बड़ा भूचाल ला दिया था। अलीनगर के युवाओं की मांग थी कि अलीनगर में डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जाए। गौरतलब है कि तत्कालीन विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी से इस मांग को लेकर लगातार सोशल साइट्स पर घिराव किया जा रहा था। इसी बीच आज अलीनगर के वर्तमान विधायक मिश्रीलाल यादव के सामने एक स्थानीय युवक चंदन यादव ने डिग्री कॉलेज बनवाने की मांग रखी, तो जरा सुनिए विधायक जी ने क्या कुछ कहा। तो सरकार अनुमंडल स्तर पर एक डिग्री कॉलेज बनाने का निर्णय ली है और अलीनगर बेनीपुर जो अनुमंडल है उसमें एक डिग्री कॉलेज है, इसीलिए नए डिग्री कॉलेज खुलने का सरकार का तो कोई मतलब इस ढंग का इरादा नहीं है जो फिर दूसरा कोई खुले। लगातार मांग उठती है इस तरह की, मांग उठ रही है तो मतलब जो सरकार का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से अलग नहीं ना कुछ हो सकता है। हमारे नौजवान साथियों को शिक्षा के प्रति अगर जागरूकता है तो अच्छी बात है, लेकिन अब तो मापदंड इतना कठिन है, जो जमीन की वैल्यू इतनी अधिक हो गई है, जो कोई अपनी निजी जमीन दे के भी कॉलेज वगैरह जैसे हमारे बाप पुरखा पहले खोला करते थे, अब तो खोलना भी बड़ा कठिन हो गया है। तो अब तो पूरा भरोसा सरकार पर ही है, जो सरकार जो कॉलेज खोलेगी उसी से मतलब पठन पाठन हो सकता है। तो आपके कहने के मुताबिक यह अनुमंडल स्तर पे एक ही डिग्री कॉलेज होगा? हमें जो जानकारी, मेरे जानकारी के मुताबिक एक अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज खोलने का सरकार का निर्णय है, जो बेनीपुर अनुमंडल में एक घुंघिया गांव के नजदीक, घुंघिया में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। पूर्ण मिला के एक अनुमंडल है, इस अनुमंडल में दूसरा डिग्री कॉलेज सरकार तत्काल खोलने की व्यवस्था नहीं कर रही। जी से सवाल आज यही रखे थे कि सर क्या कहते हैं, इस कुछ विगत कुछ वर्षों से लगातार अलीनगर में ये एक डिग्री कॉलेज की मांग हो रही है कि अलीनगर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज नहीं है तो एक डिग्री कॉलेज बनाया जाए। तो विधायक जी बोले कि यहाँ के युवाओं को सबसे पहले ये पता हो, ये यहाँ के युवाओं को पता ही नहीं है कि डिग्री कॉलेज एक अनुमंडल लेवल पर होता है। तो हम विधायक जी से ये कहना चाहते हैं कि विधायक जी क्या आज आप भी तो जिस समय में चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय में आप भी डिग्री कॉलेज के बारे में बोले थे कि यहाँ के विधायक कितना दिन से रहें एक डिग्री कॉलेज नहीं बना पाए, और आज आप कह रहे हैं कि यहाँ के युवाओं को इसके बारे में पता नहीं है, तो क्या आप उस समय में आप क्या अपने युवाओं को ये नहीं बता सकते थे, गुमराह कर रहे थे जो क्या कहते हैं यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए? तो उसी समय में आप क्या कहते हैं बता देते कि ये प्रखंड लेवल में डिग्री कॉलेज नहीं होता, इसके लिए आप फेसबुक पे चाहे व्हाट्सएप पे इतना युवा या आप लोग विरोध नहीं करें, और आज आप कह रहे हैं कि यहाँ के आदमी यहाँ के युवा को क्या कहते हैं पता ही नहीं है, चाहे क्या कहते हैं आप आज आप गुमराह कर रहे हैं यहाँ के युवा को, और आप गुमराह करें कि एक अनुमंडल लेवल पे होता है। तो हमने ये भी पूछे कि सर क्या कहते आप बताए अनुमंडल में होता है, तो सरकार तो आप ही है, तो वो कहता है कि देखिए सरकार है उससे क्या, सरकार अपने मन से थोड़ी कुछ कर देती है, तो सरकार नहीं करते। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि सर यहाँ पे आप एक डिग्री कॉलेज बनाइए, आपने यहाँ से वादा किया था, वो आश्वासन कुछ नहीं दे पाए, वो सीधा बोले कि ये क्या कहते हैं प्रखंड लेवल पर नहीं बनती है और यहाँ पर नहीं बनेगी। अब हम लोग तो यही कहना चाहेंगे जिस दिन एक दिन विधायक जी आएंगे तो उस दिन हम सभी युवा वर्ग उनको घेरेंगे और कहेंगे कि आपने इस क्षेत्र में तो क्या कहते हैं वादा किए थे जो क्या कहते हैं हम इसको डिग्री कॉलेज बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग भी आप इस विधायक जी को घेरेंगे, यहाँ के जो स्थानीय विधायक मिश्रीलाल यादव हैं इनको हम लोग घेरेंगे जो क्या कहते हैं आप जो वादा किए थे यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज दीजिए, और नहीं दीजिए तो अपना आप बात वापस लीजिए, जो क्या कहते हैं हमसे ये गलती हुई थी कि हमें जानकारी नहीं थी जो क्या कहते हैं हर प्रखंड लेवल पर होता है, आप आज क्या कहते हैं ये बोलिए, जो कहते हमें जानकारी नहीं थी, आज जो आप कह रहे हैं युवा वर्ग को कह रहे हैं कि युवा वर्ग को जानकारी नहीं थी तो हम लोग को जानकारी, तो आप हम ही लोग उसमें बताते, और आज अब आप क्या कहते हैं ये कहिए जो हमको जानकारी नहीं है।